आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। अग्निपथ योजना पर सरकार का बड़ा फैसला, इस साल भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 21 से बढ़ाकर 23 साल की गई। अग्निपथ से कैप्टन असहमत, अमरिंदर बोले सिपाही के लिए 4 साल का वक्त कम, ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती नीति भी सही नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, गलत पार्किंग की फोटो भेजने वाले को मिलेगा 500 रुपए का इनाम, इसके लिए कानून भी लाएंगे। बिहार में अग्निपथ पर डाली 5 ट्रेनें, हाजीपुर में पुलिस पर पथराव, बीजेपी दफ्तर विधायक पर हमला, 9 घंटे ट्रेनें रही था। असम में बाढ़ से तबाही, 4 लोगों की मौत, 25 जिलों के 11 लाख लोग प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द होने से रेल यातायात पर भी असर। जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी की रेड, 2 हफ्ते में दूसरा छापा। सामना में केंद्र सरकार की तुलना हिटलर से, कहा पार्टी केवल कांग्रेस को ही नहीं गांधी नेहरू वंश को खत्म करना चाहती है। अग्निपथ पर बवाल से पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक नाराज, कहा नहीं चाहिए गुंडागर्दी करने वाले। मुस्लिमों को लेकर संगीतकार विशाल ददलानी का ट्वीट, आपका दर्द हमारा दर्द, शशि थरूर ने कहा शाबाश। नेपाली भारतीय भाषा नहीं, AIWC की टिप्पणी पर बवाल, एनजीओ को मांगनी पड़ी माफी। शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर युवक को स्टेट लगाने पर भारी पड़ा, दोस्तों ने कर दी पिचाई गिरफ्तार। देश में और बढ़े कोरोना के केस, 12,847 नए संक्रमित मिले, 14 की मौत। हरियाणा में आज फिर अग्निपथ का विरोध, नारनौल में बस स्टैंड पर लाठी चार्ज, महावीर चौक जा। राम रहीम को मिली 1 महीने की पैरोल, बलात्कार के मामले में वह उम्र कैद की सजा काट रहा है। हैदराबाद के चार मीनार के पास एक शख्स ने हवा में उड़ाए 500 रुपए की नोट, वीडियो वायरल। बलिया में अग्निपथ के विरोध में फूंकी ट्रेन, पुलिस ने लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। अश्लील कमेंट मामले में आशीष खरे को मिली जमानत, गर्ल्स हॉस्टल के शावर में हिडन कैमरा लगाने के मामले में था आरोपी। मेरठ में बिजली की लाइन में फंसा ट्रक, सरसावा में सिकंदराबाद ट्रक में ले जाया जा रहा था बड़ा ट्रांसफार्मर। मथुरा के 2 मंदिरों को मिला भोग प्रमाण पत्र, इस्कॉन और प्रेम मंदिर को मिला प्रमाण पत्र।
हाईवे किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार, 3 लोगों की मौत। कानपुर में कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स का छापा, फर्जी बिलिंग से टैक्स चोरी की आशंका। बिजनौर में भाई ने भाई को मारा गोली, एक हफ्ते से चल रहा था जमीन बंटवारे का विवाद, गर्दन के पास धसी गोली। दबंगों ने मंदिर के पास खोला सुअर पालन केंद्र, गोंडा में ग्रामीणों में आक्रोश, प्रदर्शन कर फार्म हाउस हटवाने की मांग। देवरिया में कोविड इलाज के लिए 18 को होगा अभ्यास, कोरोना के मरीज बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बरेली में फंदे से लटकता मिला भजन गायिका का शव, 9 महीने पहले शादीशुदा युवक से की लव मैरिज, दूसरे समुदाय का है पति। सीतापुर के स्कूल में असलहा लहराने के मामले में प्रबंधक पर केस, पीटने का भी आरोप। कन्नौज जिले में अग्निपथ के विरोध में शरारती तत्वों ने एक्सप्रेसवे पर डाले ईंट पत्थर, आधा घंटे प्रभावित रहा आवागमन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बवाल, जाम के बाद युवाओं ने किया वाहनों पर पथराव, मच गई अफरा तफरी। विधायक सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने अर्जी की खारिज। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का ऐलान, वापस ले अग्निपथ योजना, नहीं तो शनिवार को पूरे यूपी में विरोध प्रदर्शन। गोकशी के 2 आरोपी नोएडा पुलिस की मुठभेड़ में घायल, 3 पकड़े गए। महंत यति नरसिम्हानंद गिरी किए गए नजरबंद, नुपुर शर्मा का किया था समर्थन। बांदा में मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर भाई से विवाद, गुस्से में बहन ने लगा ली फांसी। राहुल गांधी के समर्थन में धरने पर बैठेंगे कांग्रेसी, बोले प्रयागराज शहर अध्यक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी को फंसाना चाहती है सरकार। प्रियंका की मांग, अग्निपथ स्कीम तुरंत वापस लीजिए, 24 घंटे भी नहीं बीते सरकार को नई आर्मी भर्ती या नियम बदलना पड़ा। जौनपुर में अग्निवीर भर्ती को लेकर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी कर किया चक्का जाम। प्रयागराज हिंसा पर सबसे बड़ा सवाल, प्रयागराज में मास्टरमाइंड जावेद समेत 4 को पुलिस ने 9 जून को किया था पाबंद, फिर कैसे भड़का हिंसा। आजमगढ़ में मनोज तिवारी ने कहा, राजनीतिक कारणों से हो रहा अग्निपथ का विरोध। गोरखपुर में युवाओं ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में किया जाम, बोले धोखा है हमारे साथ। सीतापुर में पीएसी जवान का कमरे में मिला शव, 2 दिनों से ड्यूटी पर, कार्यालय नहीं पहुंचा था जवान।
विरोध के बीच सीएम योगी ने दिया अग्निवीर के लिए नौकरी की सुरक्षा का आश्वासन। अग्निपथ पर वाराणसी में बवाल, कहीं पत्थरबाजी तो कहीं तोड़फोड़ कर प्रदर्शन। हरदोई में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहा शिक्षक बर्खास्त, तो फेक दिव्यांगत प्रमाण पत्र से मिली थी नौकरी। ललितपुर में भाजपा पार्षद जगभान कुशवाहा की संपत्ति कुर्क, 2,12,09,649 की चल अचल संपत्ति। दो साल में दो मातृत्व अवकाश ले सकती है महिला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, कहा लाभ न देना कानून के खिलाफ। उत्तराखंड में अग्निपथ का विरोध, हल्द्वानी में सड़कों पर उतरे युवाओं पर पुलिस ने फटकारी लाठी। उत्तराखंड कांग्रेस विधायकों ने विश्व परिसर पर दिया धरना, अधीनस्थ चयन आयोग की भर्तियों पर धांधली का आरोप। हरिद्वार में राकेश टिकैत ने कहा ठीक नहीं है केंद्र की अग्निपथ योजना, आत्महत्याएं करेंगे किसानों के बच्चे, आंदोलन का ऐलान। भाजपा ने कैलाश गहतोड़ी को बनाया राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष, सीएम धामी के लिए छोड़ी थी चंपावत सीट। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष ने उठाया सेना सीमा से सटे गांवों का मुद्दा, विवाद सुलझाने को जल्द होगी सेना के साथ बैठक। विरोध के बीच सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अग्निवीरों को राज्य में मिलेंगे ये खास अवसर। कोसी नदी में डाला जाएगा पिंडर का पानी, दो नदियों के मिलने से दूरी होगी पेयजल की किल्लत। पिथौरागढ़ में अग्निपथ स्कीम विरोधियों को सरकार ने की चेतावनी, अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने चार धाम की देखी सुविधाएं, श्रद्धालुओं से जाना हेल्थ के बारे में। जंगल में घास लेने गई महिला की बाघ के हमले से मौत, फतेहपुर क्षेत्र में 7 माह में 7वां शिकार। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा सेना में जाने को युवाओं का सुनहरा मौका। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सेना पर परेशान करने का आरोप, सत्र में हरीश धामी सहित दो विधायकों ने उठाया मामला। ऋषिकेश में दिल्ली निवासी युवक ने सुसाइड का वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा, शेयर मार्केट में पैसा डूबने से था परेशान। कोविड मौतों पर बीजेपी विधायक नहीं सरकार पर उठाए सवाल, प्रदीप बत्रा ने कहा ऑक्सीजन की कमी से हुई रुड़की में मौतें। उद्योगों को लगाने को उत्तराखंड सरकार ने बदले नियम, 3 साल तक निवेशकों को मिलेगी एनओसी से छूट। अब्दुल रहमान मक्की को यूएन आतंकी घोषित करने में चीन ने डाला अड़ंगा, भारत को अमेरिकी प्रस्ताव को रोका।
उत्तर कोरिया में फैलती आंतों की बीमारी निपटने के लिए खुद किम जोंग ने संभाला मोर्चा। चीन ने लॉन्च किया पहला महाविनाशक स्वदेशी एयरक्राफ्ट जो कैरियर अमेरिका भारत के लिए बड़ा खतरा। चापी की तरह हो सकती है पुतिन की मौत, पूर्व रूसी सैन्य अधिकारी ने दी चेतावनी, करीबी ही मार डालेंगे। महिलाओं के पहनावे पर तालिबानी पहरा, कहा महिलाएं छोटे या तंग कपड़े भी न पहने, ये अखुनजादा के फरमान के खिलाफ। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में दावा, दुनिया भर में 10 करोड़ लोग हुए विस्थापित, भारत में 50 लाख ने छोड़ा अपना घर। तुर्की ने ग्रीस को दी जंग की धमकी, एर्दोगन बोले बंद करो सेना की तैनाती नहीं तो पछताना होगा। भारत ने हैती को लेकर जताई चिंता, बोला यह आर्थिक और मानवीय स्थिति काफी जटिल। कराची में उपचुनाव के दौरान हिंसा, एक की मौत, 12 लोग घायल। बिलावल भुट्टो ने की भारत से रिश्ते सुधारने की वकालत, बोले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग 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 थलग पड़ गया पाकिस्तान। ₹15 सस्ता हुआ धारा सरसों और रिफाइंड ऑयल, मदर डेयरी ने किया ऐलान। इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओला ने मारी बाजी, हुंडा एक्टिवा के 1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकी। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल का संकट, केवल 5 दिनों का बचा फ्यूल, अब अगर भारत से नई क्रेडिट लाइन नहीं मिली तो गहरा जाएगा संकट। एनसीपी के गढ़ पहुंचे गौतम अडानी, तो पवार का भतीजा खुद गाड़ी चला, रिसीव करने पहुंचा एयरपोर्ट। यूपी में कर्नाटक तक पेट्रोल डीजल का संकट, किसानों डीलरों की मुश्किलें बढ़ी, पिछले साल जून के मुकाबले आपूर्ति का। आनंद महिंद्रा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में शामिल, पंकज पटेल और वेणु श्रीनिवासन को भी मिली जगह। क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में हाहाकार, बिटकॉइन में 54% तक की बड़ी गिरावट, मात्रा इतनी रह गई कीमत। फ्रांस में भी चलेंगे यूपीआई और रुपए कार्ड, भारत में एमओयू पर किए हस्ताक्षर। विवाही को झटका, 1 माह में खो दिए 15.7 लाख कस्टमर, अब अंबानी की जियो ने तोड़ लिए 16.8 लाख कस्टमर। करीब 11 महीने बाद आरबीआई ने मास्टर कार्ड से हटाया प्रतिबंध, कहा भुगतान की डाटा भंडारण प्रणाली संतोषजनक। बांग्लादेश का अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 6 खिलाड़ी डक के हुए शिकार, 1 महीने के अंदर दूसरी बार ओवरऑल 3री बार। भारत और साउथ अफ्रीका के राजकोट T20 पर खराब मौसम का साया, बारिश बिगाड़ सकती है टीम इंडिया का खेल।
पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर पर भड़के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी मोहम्मद वसीम अगर सुन रहा है तो ऐसी हरकत न करें। टीम इंडिया को बड़ा झटका, चोट के चलते केएल राहुल इंग्लैंड दौरे से बाहर, इलाज के लिए विदेश जाएंगे। इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर्स फाइनल में पहुंचे प्रणय, प्री क्वार्टर फाइनल में अपने से 11 रैंक ऊपर हांगकांग के एंग का लॉन्ग एंगस्वेन को हराया। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले आयरलैंड के दिग्गज खिलाड़ी विलियम पोर्टरफील्ड ने लिया संन्यास, 16 साल के करियर का हुआ। प्लेन में डीके ने ली शाहरुख खान जैसी एंट्री, कार्तिक ने कहा 3 साल से बस बाहर बैठकर देख रहा था, हर पल का लुत्फ उठा रहा। नितिन मेनन आईसीसी के अंपायर एलीट पैनल में कायम, 11 सदस्यों में अकेले भारतीय। सीडब्ल्यूजी में नीरज चोपड़ा करेंगे भारतीय एथलेटिक दल की अगुवाई, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 37 सदस्यीय टीम घोषित। न्यूजीलैंड के डेवोन कानवे कोरोना संक्रमित, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर संकट के बाद। ब्रेकअप के सालों बाद साथ दिखे कार्तिक और सारा, पैपराजी को पोज देने पर गायब हुई एक्ट्रेस की हंसी। विशाल ददलानी ने भारत के मुसलमानों से मांगी माफी, बोले देश की राजनीति पर शर्मिंदा हूं, आपका दर्द हमारा दर्द। रणवीर सिंह और अनिल कपूर ने द पंजाबन के उस स्टेप पर किया जमकर डांस, फैंस बोले एनर्जी देखने लायक है। जोनस मानते हैं खुद को लकी, बोले कठिन समय में प्रियंका मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। महिलाओं को लेकर ऋचा चड्ढा ने फिर दिया बयान, कहा महिला टेक्नीशियन होती है सेक्सिज्म की शिकार। कश्मीरी पंडित मॉब लिंचिंग पर साई पल्लवी को मिल रही धमकियां, बजरंग दल ने कहा माफी मांगो। पीआर चोपड़ा का जुहू स्थित बंगला 183 करोड़ रुपए में बिका, डेवलपर ने रजिस्ट्रेशन के लिए चुकाई मोटी रकम। इंतजार हुआ खत्म, मिर्जापुर सीजन 3 की शूटिंग अगले हफ्ते होगी शुरू, कालीन भैया बोले मैं एक बार फिर एक्साइटेड। भुलैया 2 ने 175 करोड़ का आंकड़ा किया पार, कार्तिक बोले अब यह सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होना चाहते हैं रवि किशन की बेटी, लोग बोले सब बकवास। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।